ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस वक्त जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है वो महज कुछ मिनटों की खुशी के बाद का पसरा हुआ मातम है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सभी खुशी खुशी एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन किसे पता था कि ये खुशी महज कुछ मिनटों में ही चीख पुकार में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, एक सड़क हादसे ने इनका सब कुछ छीन लिया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने दूर तक फैले सन्नाटे को चीखों में तब्दील कर दिया। दरअसल प्रतापगढ़ के नवाबगंज में शेखपुर गांव में रहने वाले सुनील यादव की शादी थी। समारोह के खत्म होने के बाद ही सभी वापस अपने घर के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। सभी 14 यात्री महज गांव से ही कुछ दूर ही पहुंचे थे कि उनकी बुलेरो बेकाबू होकर एक ट्रक से जा टकराई। तेज रफ्तार और नियंत्रण खोने की वजह से बुलेरो के परखच्चे उड़ गए और इसी के साथ ही बुलेरो में सवार सभी 14 बाराती हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए। मरने वालों में 6 बच्चों के साथ ही 14 लोगों की मौत हुई है। ये हादसा इतना भयंकर था कि बुलेरो में सवार एक भी व्यक्ति नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ हादसे की सूचना मिलते ही पूरे समारोह में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग घटना स्थल की तरफ दौड़े। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी गैस कटर की मदद से गाड़ी को कटवाकर सभी लाशों को बाहर निकाला और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे हादसे में रेस्क्यू कर रही पुलिस टीम को तकरीबन 2 घंटे का समय लग गया। वहीं सभी की पहचान कर रही पुलिस ने बताया कि इनमें से 12 बाराती कुंडा कोतवाली के जिगरापुर चौसा गांव के रहने वाले हैं, जबकि बुलेरो चालक समेत 2 अन्य लोग कुंडा इलाके के किसी दूसरे गांव के रहने वाले हैं। वहीं इस हादसे की खबर मिलते ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि सरकार सभी पीड़ितों की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। इस हादसे में जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई है, सरकार उनकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, लेकिन यकीन जानिए जिस किसी ने भी इस मंजर को देखा उसकी रूह कांप उठी। प्रतापगढ़ से न्यूज टाइम नेशन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।